हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर का यूनिट सिक्स, द डोंकी आई हैड अ लिटिल पोनी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द डोंकी की पोयम से। इफ आई हैड अ डोंकी एंड ही वुडंट गो, वुड आई विल ऑफ हिम? नो 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 नो। आई वुड फाउंड अ लिटिल हे एंड गिव हिम सम कॉर्न, देन ही वुड बी द बेस्ट डोंकी That ever was born। तो देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पर सॉन्ग है, मतलब पोयम है। देखिए हम लोग इसका मीनिंग पढ़ लेंगे। If I had a donkey and he wouldn't go, अगर मेरे पास एक डोंकी है, अगर मेरे पास एक डोंकी होता तो अगर वो कहीं भी नहीं जाता तो क्या मैं उसको डांटता, उसको मारता? तो वो जो बच्चा होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो उसको नहीं मारता। नो नो नो, मैं नहीं मारता उसको, मैं नहीं डांटता उसको। आई वुड फाउंड अ लिटिल हे, मैं उसके लिए छोटा चारा ढूंढता। एंड गिव हिम सम कॉर्न, मैं उसको क्या देता, कॉर्न देता खाने के लिए, है ना। देन ही वुड बी द बेस्ट डोंकी दैट एवर वॉज बॉर्न, तो वो जो है वो सब डोंकी से भी, सभी डोंकी से भी वो बहुत प्यारा और अच्छा डोंकी होता। तो देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा है वो बोल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, छोटी पोयम है यहाँ पर भी। I had a little pony, तो पोनी का मतलब होता है जो हॉर्स का छोटा बच्चा होता है उसको बोलेंगे पोनी, है ना। I had a little pony, his name was Dapple Grey, I lent him to a lady to ride a mile away, she whipped him and lashed him, she drew him through the mire, I wouldn't lend my pony now for all the ladies hire। तो देखिए यहाँ पर जो है कितनी प्यारी सी पोयम है ना। तो ये पोनी जो है वो छोटा सा बच्चा है हॉर्स का, उसके बारे में ये जो लड़की है वो बोल रही है। क्या होता है, I had a little pony, उसके पास एक पोनी है छोटा बच्चा हॉर्स का, his नेम वॉज डैपल ग्रे, तो उसका जो नेम है वो डैपल ग्रे है। आई लेंड हिम टू अ लेडी टू राइड अ माइल अवे, तो उस वो क्या करती है, एक दिन एक लेडी को दे देती है राइड करने के लिए थोड़ी देर दूर के लिए, है ना। शी वेट हिम, शी लैश हिम, शी ड्राइव हिम थ्रो द माइल, तो वो क्या करती है, उसको डांटती है, उसको मारती है और उसको झाड़ियों से भी लेके जाती है राइड करते हुए। आई वुडंट लेन माई पोनी नाव फॉर ऑल द लेडीज हायर, तो बोलती है कि मैं अभी अपने पोनी को किसी भी लेडी को नहीं दूंगी, किसी भी लेडी को नहीं, मेरे हाँ जो पोनी है छोटा सा जो उसका हॉर्स है उसको किसी के लिए भी राइड करने के लिए नहीं दूंगी। तो ये भी कितनी प्यारी सी पोयम थी यहाँ पर, है ना। तो देखिए हम लोग जो है इसके कुछ न्यू वर्ड्स को पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डोंकी है ए जो एनिमल होता है, मतलब गधा बोलते हैं उसको, डोमेस्टिक एस। तो देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। वेलोप का मतलब होता है टू बीट सडनली, मतलब एकदम से मारना या फिर डांटना। लेडी का मतलब होता है पॉलिट वे ऑफ कॉलिंग अ वूमन, है ना। और फिर विलोप का मतलब ये होता है टू बीट एंड लैश, मतलब मारना डांटना ही। और लेंड का मतलब होता है गिव ऑन रिटर्नेबल बेसिस, तो देखिए लैश का मतलब भी हिट होता है, मारना डांटना, है ना। और फिर होता है माया का मतलब होता है मेडिक ग्राउंड, मतलब जैसे कि घास या फिर कूड़ा कचरा, है ना, तो वहाँ से लेके जाना। और हायर का मतलब होता है टू एंगेज फॉर पेमेंट। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, रीडिंग इज फन को कर। तो देखिए यहाँ पर अनदर वर्ड फॉर वेलो इज डैश, वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी? नो। तो देखिए यहाँ पर जो है वेलो का वर्ड जो होगा वो लैश होगा, LASHED, है ना। और फिर वुड द चाइल्ड हिट द डोंकी? नो, द चाइल्ड वुड नॉट हिट द डोंकी, तो इसमें ये आंसर आएगा फिर कंटिन्यू में, है ना। और फिर देखिए वॉट वुड द चाइल्ड गिव द डोंकी, तो डोंकी को वो क्या देता था,
The child would give the some hay and corn to the donkey. तो हमारे जो पोएम में है वो लिखा है वहाँ से देखकर आप लोग इसके क्वेश्चन के सॉल्ट आउट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द पोनी। तो पोनी कौन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, अ बेबी डॉग, अ बेबी हॉर्स, अ बेबी कैट। तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, मैं भी आपको बताऊंगी। ये है अ बेबी हॉर्स, है ना। व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी, उसने क्या किया सा किया था उसके साथ, उसको मारा था, उसको डांटा था, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू, तो उसने चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया था, टू लैंड एंड पोनी अगेन टू द लेडी, टू नेवर लैंड एंड पोनी अगेन टू द लेडी, टू गिव द पोनी द लेडी, नो। तो ये भी आएगा हमारा आंसर, टू नेवर, उसने कभी भी देने का नहीं सोचा अभी पोनी को, क्योंकि उसने उसको हिट किया था, उसको मारा था, है ना। तो देखिए इस पोयम में ये बोला गया है ना। और फिर देखिए बाद में देखेंगे, लेट्स टॉक को करेंगे, हैव यू सीन पीपल बीटिंग द एनिमल्स, व्हाट डू यू थिंक टू सच अ पीपल। तो क्या आपने कभी देखा है जो लोग एनिमल को मारते हैं उनको, और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो आंसर है आप मुझे लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में, है ना, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जो ओपिनियन है ये बच्चों का लिखना है यहाँ पर, है ना। डू यू एवर टॉस एनिमल, डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम, तो यस। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्ट आउट कीजिए, हम लोग आगे देख लेंगे, है ना। और देखिए ये जो वर्ड है ये से अलाउड करने हैं आपको, डोंकी, मंकी और हायर, फायर, मायर, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यू बिल्डिंग्स में क्या करना है, वर्ल्ड बिल्डिंग में, वेयर कैन यू फाइंड अ स्टेबल, तो ये फॉर्म में होता है ना। और फिर नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन फैब स्टेबल, तो यहाँ पर कौन से एनिमल रहते हैं, हॉर्स रहता है ना, और फिर काओ भी रहती है, बफेलो, तो जो एनिमल यहाँ पर रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर उनके नाम। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्ट आउट कीजिए, हम लोग आगे देख लेंगे। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द पेट और एन एनिमल यू लव, तो आपको यहाँ पर लिखना है अगर आपको किसी पेट पता है, मतलब आपको अच्छा लगता है उसके बारे में, या फिर आपके घर में कौन सा पेट है उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। तो मैं बताती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, आई हैव अ पेट, मतलब डॉग, है ना, हिज नेम इज़ जॉनी एंड ही इज़ अ फैमिली मेम्बर, अवर फैमिली मेम्बर, आई टेक हिम फॉर वॉक एवरी डे, है ना। ऐसे आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ही हैज़ समथिंग, जो आपको पसंद हो वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड्स द राइमिंग वर्ड्स, तो यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड्स को लिखना है, कॉर्न का क्या आएगा राइमिंग में, हॉर्न, है ना, HORN, है ना, ऐसे आ सकता है, आता भी है। नो का क्या आएगा, सो, और फिर यहाँ पर देखिए मायर का क्या आएगा, हायर, फायर, ऐसे आएगा यहाँ पर फायर। तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी पोयम है, द क्रूएल बॉय, द मंकी इज इन द केज, अ बॉय लुक्ड एट द मंकी, ही गेव इट अ स्वीट, द मंकी ओपन्स द पेपर, देयर इज स्टोन इनसाइड, द पुअर मंकी इज सैड, क्रूएल बॉय। तो देखिए यहाँ पर कितनी, मतलब प्यारी तो है स्टोरी, लेकिन ऐसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी इंसान को, क्योंकि यहाँ पर जो पोयम का नेम ही दिया गया है क्रूएल, मतलब बदमाश लड़का, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैं मीनिंग बताती हूँ आपको इसका, द मंकी इज इन द केज, मतलब वो एक पिंजरे में है, तो वो क्या कर रहा है, अ बॉय लुक एट द मंकी, बॉय ने उस मंकी को देखा, ही गेव इट स्वीट, तो उसको वो स्वीट देता है खाने के लिए, है ना,
द मंकी ओपन द पेपर, लेकिन वो जो पेपर होता है वो खोल के देखता है देने के बाद, तो वहाँ से अंदर से क्या निकलता है, स्टोन निकलता है। स्टोन का मतलब होता है जो फीबल होते हैं, है ना, तो वो निकलता है। द पुअर मंकी इज सैड, तो लेकिन वो जो मंकी होता है वो बहुत ही सैड हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बदमाश लड़के के बारे में यहाँ पर बता गया है, क्रूएल बॉय, है ना। आर टू सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, तो हमें क्या करना है, राइट और रॉन्ग लिखना है यहाँ पर। द मंकी इज इन द फॉरेस्ट, नो, तो वो तो केस में था, है ना। द बॉय गेव अ मंकी अ स्टोन, यस, उसने उसको स्टोन दिया था। द मंकी थिंक इट इज अ स्वीट, यस, उसने सोचा कि ये स्वीट है। द मंकी लाइक अ स्वीट्स, यस, मंकी को पसंद है स्वीट खाना। द मंकी इज सैड, यस, सच में वो सैड हो गया था। तो देखिए यहाँ पर कितना प्यारे से पोएम्स थे दो, है ना, तो हमने उन पोएम्स को कंप्लीट कर दिया है। ये बाद में जो है, बाद में कौन सा है, द मिल्क मैन काओ, हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आपको ये दोनों भी पोएम्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी टेलीग्राम की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।